हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक जेन स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये हमारा केबल में पैटर्न पड़ा हुआ है और इसमें बीच में जाली भी पड़ी हुई है। ये आप स्वेटर में डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बिनाई हमारी दोनों साइड से बनी हुई है, आगे से भी इसमें डिजाइन बनानी पड़ती है और पीछे से भी चेंजेस हैं इसमें। और जब आप इस बिनाई को बनाएंगे तो इसमें जितने भी फंदे आप नॉर्मल स्वेटर में रखते हैं उससे आप 5 से 6 फंदे एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि केबल पैटर्न में बेसिकली यही होता है कि हमारी बिनाई थोड़ी सिकुड़ जाती है इसलिए, और जाली पैटर्न हमारा फैलता है इसलिए जब भी आप केबल का पैटर्न बनाइए तो फंदे थोड़े एक्स्ट्रा रखिए। तो फ्रेंड्स, ये बिनाई आपको कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। देखिए, ये बिनाई हमारी जो है 12 फंदों की है। ये हमारी हमारे इसमें जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो जब भी बिनाई में नीचे से स्टार्ट करेंगे, जहां से बॉर्डर हमारा खत्म होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमको 2 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। स्टार्टिंग हमारे 5 उल्टे फंदों से होगी, मगर हमने इसमें 2 फंदे स्वेटर के हिसाब से साइड में उल्टे डाले हुए हैं, और 5 उल्टे, और ये हमारे 7 फंदे सीधे बनेंगे, फिर 5 उल्टे 7 सीधे। इसी तरीके से हमको इसमें इसमें 4 सिलाइयां स्टार्टिंग की बिननी है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, दो तो हमें एक्स्ट्रा फंदे हैं, इनको तो खैर काउंट आप करिए, चाहे अपने बिनाई के हिसाब से समझिए इसको। यहां से गिनते हैं, 5 फंदे हमारे हमें उल्टे बिनने हैं, और जो बीच के हमारे ये फंदे हैं, ये जो बीच के हमारे सीधे फंदे हैं, इसमें से हमको 3 फंदे ऐसे, लास्ट का स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ के लास्ट के 3 फंदे पहले बिनने हैं, 1, 2 और 3। और इन 4 फंदों को बाद में बिनना है ऐसे। एक, दो, तीन और 4। फिर ये हमारे उल्टे फंदे उल्टे ही रहेंगे पूरे। इधर 5 फंदे जो हमारे हैं, 5 प्लस 2 लास्ट में रखे हैं मैंने, और उल्टी रो जो हमारे सीधे फंदे हैं वो उल्टे होंगे और उल्टे फंदे हमारे सीधे रहेंगे। इसका मतलब हमें यहां से जो 7 फंदे हैं स्टार्टिंग के, ये सीधे बिनने हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, वरना 5 होते ये हमारे 5, ये हमें सीधे बिनने हैं। ये बिनाई हमारी दोनों साइड से चलती है, सीधी साइड से भी और उल्टी उल्टी साइड से भी। और ये वाले फंदे जो बीच में जिसपे मैंने केबल बनाई है, ये हमको उल्टे बनाने हैं। इसी तरह सीधे सीधी सिलाई पे जो फंदा उल्टा है उसे सीधा, और उल्टी सिलाई पे जो फंदा उल्टा है उसे सीधा बनाना है। ये हमारे स्टार्टिंग के उधर से ये फंदे उल्टे हैं इसलिए हम इनको सीधा बना रहे हैं। ये हमारे 5 और प्लस ये 2 फंदे जो एक्स्ट्रा वाले, 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए, और ये ऐसे। अब हमको यही रिपीट करना है 12 सिलाइयों तक। हमको 12 सिलाइयां यानी कि एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी करते हुए, एक सीधी रो और एक उल्टी रो हमको बिनते हुए 12 सिलाइयां बिननी है। ये हमारे स्टार्टिंग के 7 फंदे उल्टे, और ये जो जिस पे मैंने केबल बनाई है ये फंदे हमारे सीधे बनाने हैं, सीधी साइड पे, और उल्टी साइड से सीधे फंदों को उल्टा बनाना है और उल्टे फंदों को सीधा बनाना है। इसी तरीके से हम 12 सिलाइयां इसकी कंप्लीट करते हैं। कि देखिए हमारी ऐसे यहाँ पे ऐसे ये 12 सलाइयां हो गई, 10 से 12। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल लीजिए, अगर आपको लंबी केबल चाहिए तो 12 कर लीजिए, वरना 10 भी सही रहता है। इसके बाद ये हमारे स्टार्टिंग के फंदे तो उल्टे हो जाएंगे, और ये हमको फिर केबल पलटनी है। तो अब हम जब इसको पलटेंगे तो 3 फंदे ये बिने हमने सीधे पीछे से, 1, 2 और 3,
और जो ये वाले फंदे हैं, एक दो तीन और चार, इसमें से तीन सीधे हो गए। इसके बाद ऊन अपनी साइड लाए और एक फंदा इसमें उल्टा बिना और तीन फंदे सीधे बिने, ऐसे। फिर ये हमारे साइड के 5 + 2 फंदे उल्टे रहेंगे। उल्टी रो में जो फंदा जैसा है, सीधा फंदा इस साइड से उल्टा फंदा अपोजिट साइड में हमारा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 + 2 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। और ये सीधे हो गए और यहां से एक दो तीन फंदे उल्टे और एक हमने उल्टा किया है इसलिए इसको सीधा बनाएंगे इस साइड से। और ये फिर हमारे तीन उल्टे हो गए और ये लास्ट के हमारे जो सीधे फंदे हैं, ये 5 + 2 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। ऐसे। और जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो हमें यहाँ पे दो फंदे तो हमारे एक्स्ट्रा हैं, ये फंदे यहां से बिनेंगे, एक दो तीन और चार, चार फंदे बिने। और जो ये तीन फंदे हैं इनको पहले बिनेंगे और इस एक फंदे को हमको इधर लाना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक फंदा सिलाई पे चढ़ा लीजिए और इन तीन फंदों को इधर ले लीजिए दूसरी सिलाई पे, एक दो और तीन फंदे इस सिलाई पे ऐसे ले लिए, इनको सीधा बिना, एक दो और तीन फंदे हमारे सीधे हो गए। जो फंदा हम इस साइड से लाए हैं वो हमें उल्टा बिनना है तो हमारे उल्टे बीच में दो फंदे हो जाएंगे। और जो इस साइड की दूसरी साइड की केबल है इधर वाली, इसको हमें तीन सीधे बिनने हैं। सीधे बिनने के बाद इस साइड से हम गिनेंगे, राइट हैंड की सिलाई पे जो पहला दूसरा और तीसरा फंदा है इसको सिलाई पे ऐसे उतार देना है और इधर के फंदे हमारे एज इट इज उल्टे रहेंगे, पूरे फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। सॉरी। अब उल्टी रो में वही होगा, जो फंदा हमारा जैसा है उल्टी साइड पे जो उल्टा है वो इधर से सीधा बिनेगा। तो इधर के तो हमारे ये 7 फंदे, 5 + 2 फंदे हमारे सीधे हो गए, तीन उल्टे। उल्टे में हमने यहाँ पे ये फंदा जिसमें हमने ऐसे उतार रखा है, यहाँ पे एक फंदा हमारा कम हो गया। तो इसके लिए देखिए कैसे आप इसको बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बिना ऐसे, ऊन को सिलाई पे ऐसे लेना है ऐसे, और एक फंदा बिन देना है। तो ये हमारा एक कम हुआ था, एक हमारा सही ज्यादा हो गया, बराबर हो गए। और यहाँ पे उल्टे हमारे दो हो जाएंगे, दो उल्टे और ये हमारे तीन सीधे। और इधर हमारा अब चार फंदे, 4 + 2 फंदे बचेंगे। धीरे धीरे ये हमारे सारे फंदे इस साइड के खत्म हो जाएंगे, तब हमारा बिनाई एक साइड का आधी बिनाई हमारी तब कंप्लीट होगी। अब इधर हमारे दो तो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं, एक दो तीन फंदे उल्टे रहेंगे। और फिर ये वाला फंदा हमारा जो उल्टा फंदा है फिर इधर जाएगा, ये हमारा हर सिलाई में इधर साइड पे आएगा ऐसे। और इन तीन फंदों को हम, एक दो तीन फंदों को ऐसे सामने ले आएंगे, ये हमें सीधे ही बिनने हैं। एक दो और तीन, और ये बीच के हमारे फंदे एक दो और तीन, ये इस साइड से कम हो रहे हैं क्योंकि एक फंदा हमारा इधर वाला इधर आ रहा है इसलिए हमारा कम हो रहा है। ये ऐसे हो गया। अब जो इस पे हमने ये जाली हमारी आई है,
ये हमें तीन फंदे सीधे बिनने हैं, बाकी के फंदे इधर से ये वाले उल्टे रहेंगे, उल्टे फंदे सीधे रहेंगे। इसी तरीके से हमको उल्टी रो कंप्लीट करनी है इसमें। ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट करी। उल्टी रो में हमारे यहाँ पे तीन फंदे सीधे, बीच में हमारे तीन सीधे आ गए यहाँ पे, ये वाले उल्टी साइड से, क्योंकि हमारे यहाँ तीन उल्टे हैं इसलिए तीन सीधे हो गए। फिर हमको वही करना है, अब हमारे इधर से बचेंगे दो फंदे और ये वाला फंदा इधर ले जाना है, और उस फंदे को, तो आप इसको ऐसे भी बिन सकते हैं, एक दो और तीन सीधे हो गए, एक इस साइड पे ले लिया, तो हमारे बीच में यहाँ पे फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार। और अब इस ये बिनाई जो हम बना रहे हैं, एक बार हम प्लेन बिनते हैं और दोबारा फिर सिलाई पे बनाते हैं। अब हमारा यहाँ पे ही बिनाई बनेगा। ये देखिए हमने ऐसे उतार दिया, उल्टी साइड पे आके हमको यहाँ पे एक फंदा सिलाई पे आगे करते हुए इसको बनाना है। ये हमारे उल्टे इधर के फंदे इस साइड पे, अभी इस बिनाई इस साइड के फंदे में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब हमारी बिनाई एक बार फिर से ट्विस्ट कराएंगे उसके बाद हमको ये बिनाई इस साइड पे पलट के लानी पड़ेगी। अभी हमारा ये एज इट इज एक ही साइड पे चलेगा। एक फंदा उल्टा, ऊन को ऐसे पीछे से लाए और उल्टा बिन लिया। अब हमारे यहाँ पे एक दो तीन फंदे हो गए, तीन सॉरी चार फंदे हो गए और तीन सीधे, जो उधर से सीधे हैं इनको हमने उल्टे बनाया। और एक दो, दो फंदे यहां बचे, दो तो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं, ये ऐसे हो गया। फिर हम इसको ऐसे ही लाएंगे, तीन इधर तीन फंदे के बाद ये वाला फंदा इस साइड पे लाएंगे जैसे यहां पे लाए हैं, और ये सिलाई हमको प्लेन बिननी है। ये देखिए एक उल्टी और एक सीधी रो हमने इसमें कंप्लीट करी, और यहां पे हमारे स्टार्टिंग में दो फंदे तो एक्स्ट्रा थे और ये एक फंदा हमारा बचा। अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसी बिनाई को हमें वापस रिवर्स में ले जाना है, यानी कि अभी तक हम इस फंदे को इधर ले जा रहे थे, अब इन्हीं फंदों को इधर लाना है। फिर हमें यहाँ पे हमें पांच फंदे करने हैं, दो के बाद हमारे पांच फंदे थे तो हमारा एक फंदा बचा है, तो हम इसको फिर से इधर लाएंगे। अब हम ये वाला फंदा इधर को लाएंगे ऐसे, और ये तीन फंदे केबल पे ही बिनेंगे ऐसे, और हमारे बीच के फंदे यहाँ के कम हो जाएंगे, एक दो तीन चार, चार हो गए, अभी पांच थे एक इधर ले आए तब हमारे चार हो गए। और इस बिनाई को हमें वैसी बनाना है जैसे हमने नीचे बनाई है, पलटनी है ये ऐसे तीन फंदों का ऐसे। अब ये हमारा अभी तक ये बिनाई हमारी इस साइड को जा रही थी, अब हमारी इधर को आएगी, जैसा मेरे स्वेटर में देखिए इसमें है कि ये पहले इस साइड को जा रही है, फिर यहाँ पे जब एक बचा तो ये वापस घूम के आएगी, और ऐसे हमारी यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसी जालियां बन जाती हैं, और ये बिनाई तब कंप्लीट होगी, यहाँ पे तब खत्म हो जाएगी। और इधर के फंदे बाकी के हमें उल्टे रखने हैं। ये बिनाई जब पूरा ऑल ओवर स्वेटर पे हमारी पड़ती है, कंप्लीट होता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। किसी भी स्वेटर में डालिए, सब में ये अच्छी लगेगी। उल्टे उल्टी सिलाई में जो फंदा हमारा सीधी सिलाई में सीधा होता है उसे हमें उल्टा बिनना पड़ता है, और उल्टे फंदे को सीधा बिनना पड़ता है, दोनों साइड से हमें बिनाई बनानी पड़ती है। अब ये देखिए हमने तीन फंदों का यहाँ पे दो किया था तो दो करा, ऊन को ऐसे लाए और फिर एक बनाया, ये आप ध्यान रखिए कि कैसे करना है। और एक दो तीन,
और ये चार हमारे उल्टे हुए। इसी तरह हमारे यहाँ पे उल्टे कम कर होते हुए एक फंदा जब हमारा उल्टा बचेगा तब हमारी डिजाइन ये एक साइड की कंप्लीट होगी। तो अभी हमारे हमारे एक जब हमको इसको बनाते हैं तो हमारी बिनाई एक साइड बढ़ती है, इस साइड को बढ़ रही है, बढ़ी थी हमारी बिनाई, अब हमारा इस साइड को बिनाई बढ़ रहा है। हमारा ये एक फंदा बचेगा और हमको ये ऐसे ही बिननी है, बार बार एक बार इधर तीन फंदों के आगे को फंदा आगे करेंगे, एक दो तीन चार, और ये वाला फंदा फिर तीन फंदे के बाद वाला फंदा फिर इस साइड पे लाएंगे, तभी हमारा बिनाई ऐसे घूम के राउंड शेप में आता है, ये देखिए ऐसे। और ये एक दो, ये केबिल के जो तीन फंदे ये हमेशा ही सीधे चलने हैं, और ये हमारे दो हो गए और तीन, फिर तीन हो जाएंगे, एक दो और तीन। उल्टी रो हमारी पूरी हमेशा हर सिलाई में, जैसे मैंने बताया, जो फंदा सीधा फंदा इस साइड से जो उल्टा है वो उधर से सीधा होगा और सीधा फंदा उल्टा होगा। तो इसी तरीके से इस बिनाई को हम बनाते हैं, जब हमारे यहाँ पे जब तक बनाएंगे जब हमारा यहाँ पे एक फंदा बचेगा तब तक हमको ऐसे घुमा के लाना है, यानी कि दो बार और हमको इसको ऐसे बनाना है। ये देखिए सीधी सिलाई पे हमने इस साइड पे फंदा ले आए, तो यहाँ पे हमारे बीच में अब उल्टे दो फंदे बचे हैं, और ये हमारा अबकिल एक दो तीन बिनने के बाद इस पे से उतारा जाएगा, ये इस सिलाई पे उतारा गया। इसके बाद उल्टी सिलाई में हमको यहाँ फंदा बढ़ाना है, उसके बाद एक सिलाई सीधी और उल्टी बनेगी, उसके बाद ये बिनाई हमारी पड़ती है। तीसरी सिलाई पे हमारा ये बिनाई छोटी वाली जो हम इसमें जाली वाला पैटर्न डाल रहे हैं वो तीसरी सिलाई में हमारी पड़ती है। दो सिलाइयां हमें प्लेन बनानी पड़ती हैं। अब हमारी ये उल्टी रो के बाद एक रो और बनेगी और हमारा बिनाई ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब नेक्स्ट सिलाई पे आके मैंने फिर इसको पलटा, तो हमारा तीन सीधा एक उल्टा और फिर ये तीन सीधे बचे। इसके बाद से हमारा डिजाइन ये यहीं पे ओवर हो जाएगा और फिर हमको केबिल इसमें पलटनी है। तो उल्टी रो इसमें इस फंदों के अकॉर्डिंग चलेगी, सीधा फंदा उल्टा और उल्टा फंदा सीधा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ये वाले फंदे हमारे टोटल सात होने चाहिए, यानी कि जब हमारी तीन फंदे ये हो गए प्लस एक फंदा और तीन, ये इन्हीं फंदों से हमें, इन सात फंदों से हमें केबिल बनानी है, और ये पांच फंदे हमारे साइड में होने चाहिए। ये देखिए ऐसे बन के आता है हमारी केबिल को, देखिए ऐसे राउंड शेप में इस साइड से आ गई ऐसे राउंड। अभी हमारी नेक्स्ट सिलाई में आके केबिल पलटी जाएगी। ये देखिए अब जब हम सीधी सिलाई पे आते हैं तो ये वाले फंदे हमारे पांच प्लस दो फंदे हमारे स्टार्टिंग के तो उल्टे रहेंगे, ये उल्टे हो गए, और जो हम केबिल पलटेंगे तो ये जो हमारी डिजाइन है तीन फंदे वाली, तो इनको हम ऐसे बिनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमारे ऐसे हो गए। इन चार फंदों को हमने सिलाई पे लिया, और इन फंदों को भी हमने बनाया, ये हमारे चार फंदे, तीन फंदे वो पलटे प्लस चार हमारे ये हो गए, ये सात फंदे हमारे ये ऐसे सीधे हो गए। अब फिर हमारे सात पांच, सात और पांच फंदे हमारे ये उल्टे हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरह फिर हमको ये केबिल ऐसे ही पलटनी है, 12 फंदों की अभी बनाएंगे ऐसी, 12 सिलाइयों तक इसको ऐसे बिनेंगे फिर इसको पलटेंगे। ये देखिए हमारी केबिल ऐसे बन के आ गई, और इसको हम फिर पलटेंगे, ये वाले फंदे हमारे इधर जाएंगे और ये वाले फंदे नीचे से इधर आएंगे, जैसे हमने पहले केबिल पलटी थी वैसे ही हमको ये वाली भी केबिल पलटनी है। ये देखिए इधर के फंदे पांच फंदे और प्लस दो फंदे हमारे ये ऐसे ही रहेंगे, उल्टे रहेंगे ये जब इसको पलटेंगे तो पीछे से
स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ देंगे और जैसे पहले पलटा था पीछे के तीन फंदे हम पहले बिनेंगे, एक दो तीन, और जो ये चार फंदे सिलाई पे लिए इसमें से पहला फंदा उल्टा बनाएंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही हमको फिर से बिनाई स्टार्ट करनी है, मगर बिनाई हमारी जो बनेगी तो जो ये हमारा जाली पैटर्न डाल रहे थे छोटी केबिल जाली वाली है ये हमारी इस साइड पे बनेगी और हमारी जो केबिल है वो इस साइड पे बनेगी। ये देखिए सीधी सिलाई में अब हमारे इस साइड के जो फंदे हैं, पहले हमारे ये वाले फंदे कम हो रहे थे स्टार्टिंग वाले, अब हमारे ये फंदे नॉर्मल चलेंगे, ये हमारे इतने ही रहेंगे और इन तीन फंदों पे स्टार्टिंग के तीन फंदों पे हमें तीन फंदों पे जो हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे थे जाली वाला वो हमको इस साइड पे करना है। ऐसे बनाया और एक फंदा उल्टा बिना, अब इन तीन फंदों के बाद इस साइड से फंदा ऐसे लिया और इसको ये केबल हमारी अब अपोजिट साइड पे चलेगी तो ये हमारे दो उल्टे हो गए और एक दो और तीन सीधे हो गए। अब हमारे इधर के फंदे कम होंगे, जब आप पूरे स्वेटर में बनाते हैं तो ये फंदे आपको इस साइड दोनों साइड से बराबर ही कम और ज्यादा होते रहते हैं। ये देखिए मैंने एक सिलाई बताई है, बाकी आप जैसे आप यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे वैसे ही हमारा डिजाइन चलेगा। एक बार बस केबिल एक बार इधर पलटनी है और एक बार इधर, जैसे कि हमारे इस स्वेटर में बनी हुई है। ये देखिए एक बार हमारी इस साइड से चली और ये हमारी इस साइड से चली, फिर ये हमारी इधर को आ गई और ये हमारी जाली इधर आ गई। सेम प्रोसेस इसमें भी किया गया है, एक बार केबल इधर से चली और ये वाली जाली अब इधर बनेगी। बनाने का तरीका वही है जैसे मैंने नीचे से बताया, बस आपको इधर से फंदे बनाने हैं, एक फंदा इधर से लेना है और तीन फंदे हमारे इधर नॉर्मल रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा बनने पे इसका जो लुक आता है, फाइनली हमारा स्वेटर ऐसे बन के आता है ये देखिए, और ये जब पूरे स्वेटर में पड़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।